तो एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। जाना था बाय रोड और जा रहे हैं बाय प्लेन। 36 घंटे का रास्ता एक घंटे में तय करने वाले हैं। आप ये देखिए किस तरह से ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हर ओर चांदी ही चांदी की तरह चमक रहे हैं। यहाँ पर विमान की ऊंचाई पायलट द्वारा बताई गई कि हम 32,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और ये बर्फीले पहाड़ मन को बहुत ही मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। ये ले एयरपोर्ट से अब उतर चुके हैं जी, और बाहर बहुत तेज़ धूप है। ये ले एयरपोर्ट से अपने टैक्सी में बैठकर फ़िलहाल होटल के लिए चल रहे हैं। धूप भी तेज़ है। ओवरऑल अभी तक जैसे एक्सपेक्टेशन था वैसा ही है। दिस इज़ द होटल एट होटल मार्बल इन ले दैट वी हैव ऑक्युपाइड। और यह है होटल से कुछ व्यू। सो अब लेह में आज पहला दिन, शाम को 4 बज रहे हैं। सुबह 11 बजे हम यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी था होता है यहाँ एक्वलाइजेशन करने के लिए। तो यह है हमारा होटल का बैकग्राउंड। काफ़ी रिफ्रेश फील कर रहे हैं, उठे यहाँ से मोहम्मद श्रीनगर 450, लेकिन जब भी अपन आएंगे। ये जो शांति स्तूप आप देख रहे हैं, हम वहीं अब जा रहे हैं। यह शांति स्तूप जो कि 14th दलाई लामा तेंजिन गैस्टो ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था 25 अगस्त 1985 को। यह शांति स्तूप समुद्र तट से 11,841 फीट की ऊंचाई पर है और अब हम वहीं जा रहे हैं इस शांति स्तूप को देखने के लिए पास से। आज डे वन में सांची स्तूप आए हैं और यहाँ पीछे का बैकग्राउंड देखिए आप, बहुत प्यारी कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखें बहुत प्यारा लग रहा है। पीछे से धूप कुछ ज़्यादा है इसलिए मैंने चश्मा लगा रखा है, कुछ ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। धूप बहुत ज़्यादा है। ये सांची स्तूप के सामने की ये पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा। यहाँ अगर आप सामने देखें तो ये रैमडन नाम का स्कूल है, प्राइवेट लुक द रैमडन स्कूल। ये नीचे पूरा ले वैली का व्यू है नीचे। ये आज फर्स्ट डे लोकल साइट सीइंग में सांची स्तूप है और इसके सामने ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ों से ये ढका हुआ स्तूप है। यहाँ इस समय हवा बहुत तेज़ चल रही है। मैं अब बैठ गया हूँ और
काफ़ी ऊंचाई पर है, नेचुरली चलना तो पड़ता है। सांची स्पूता, और देखिएगा ये बर्फ़ से ढके हुए ऊपर चोटियों पे आपको बर्फ़ दिखाई दे जाए, तो शायद मेरा कैमरा उतना जस्टिस ना कर पाए। अगर आप इस हवा की आवाज़ सुन पा रहे हो तो आप महसूस कर पाएंगे कि ये हवा की आवाज़ बिल्कुल कभी कभी ऐसे लगती है, बहुत तेज़ हवा चलती है, ऐसा लगता है जैसे कि आपके ऊपर से प्लेन गुजर गया हो। तेज़ हवा की जो आवाज़ें हैं ये आप अगर महसूस कर पा रहे हो, सुंदर दूर पहाड़ियों से ठंडी हवा के साथ तेज मार्केट। इवनिंग में ले मार्केट में एंजॉय करते हुए, छोटा सा ही मॉल रोड टाइप का ये मार्केट है। यहाँ पर आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ब्रांडेड भी हैं। इधर आज कोई एक इवेंट हो रही है, और इस तरह आज हमारा लेह में पहला दिन इस लेह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में अब समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे डे टू में अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको पहले वीडियो अच्छी